हाँ डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्यावरवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विषयी हाँ खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। गोवा वो चौथा राज्य है जहाँ हालिया विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी पिछले दौर में मुख्यमंत्री रहे प्रमोद सावंत को ही दूसरा मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें विश्वजीत राणे, रवि नायक, मोविन गोडिन्नो, नीलेश कैबराल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खूंटे, गोविंद गौड़े और अतानासियो मोंसेराते शामिल है। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुमत से एक सीट कम यानी 20 सीटें ही मिली, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। उसे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार रोजगार सृजन, पर्यटन, खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर काम करेगी। से मैं सेकंड टर्म सीएम में स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 आगे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भर दिया जाएगा, पर्यटन के ऊपर भर दिया जाएगा, माइनिंग एक्टिविटी के फिर रिस्टार्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब बड़ी मात्रा से हो जाए। प्रमोद सावंत भले ही अपनी सरकार को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी आलाकमान को काफी वक्त लगाकर खासी मशक्कत करनी पड़ी है। सावंत को अपनी पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षी विश्वजीत राणे से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। राणे 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अनुभवी राणे ने कथित तौर पर कैबिनेट की बैठकों के दौरान सावंत को घेरने की कोशिश की थी। जल्द ही उनकी प्रतिद्वंद्विता गोवा में चर्चा का विषय बन गई। माना जा रहा है कि आगे भी सावंत को राणे से निपटना पड़ सकता है। दरअसल सावंत का दूसरा कार्यकाल अधिक चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है, क्योंकि उनके विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। सावंत के लिए एक और चुनौती बीजेपी महासचिव संगठन सतीश धौण के दबाव से बचना होगा। यह आरोप लगाया जाता है कि ये धौण ही थे जो कैबिनेट की बैठकों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देते थे और शासन से संबंधित विषयों पर निर्णय लेते थे। वहीं विश्वजीत राणे और सतीश धौण के अलावा दूसरे 2 नेता एमजीपी के सुदीन धवलीकर और बीजेपी के अतानासियो मोंसेराते सावंत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि वो अगले 5 साल तक सरकार स्थिरता के साथ चला लेगी। देखिए, बहुत खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर एक बार गोवा में सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी पर जो लोगों का विश्वास है, गोवा की जनता ने उसी के कारण हमको आशीर्वाद दिया है। एक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे, एक बड़ी एबल गवर्नमेंट हम देंगे और गोवा को विकास के नए मकाम पर पहुंचाएंगे और हमारे साथ ये सब लोग रहेंगे और आगे में एक्सपेंशन में हम इन लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे। लेकिन गोवा की सियासत में दल बदल बहुत आम बात रही है। पिछली बार 17 विधायकों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन दल बदल की वजह से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही और इस साल हुए चुनाव तक कांग्रेस के पास 17 में से सिर्फ 2 विधायक ही बचे थे। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक बदल चुके थे और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक ने अपनी मर्जी से तृणमूल कांग्रेस में विलय कर लिया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत अपने विरोधियों को कौन सी गुट्टी पिलाते हैं कि उनकी सरकार सेहतमंद रहे और उसकी उम्र 5 साल तक लंबी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।